हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी मैं अपने ऊपर वाली शेड में हूँ जी। मेडल्टी मैंने निकाली, आज मेडल्टी हमारी निकली है 7। जी हाँ, 7-8 होगी, एक आधा और होगा। तो रेस्पिरोन वगैरह दे रहा हूँ लेकिन अभी तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी दिया है जिससे पानी पानी वगैरह निकाल कर दिया, 2 दिन दिया, उससे भी थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। देखते हैं अगर फ़र्क पड़ जाता है ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे चलने देंगे लाइफ तक जाते जाते। लिफ्टिंग होने के टाइम से पहले बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाएगा जी, क्योंकि मेडिसिन से थोड़ी सांस वगैरह खुल जाती है और जो बलगम वगैरह बनी होती है CRD कुछ भी वो थोड़ा कम हो जाता है और धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है जी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, नए फार्मर जो नया फार्म बनाना चाहते हैं वो कम से कम अपने गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर फार्म बनाए जिससे गांव के लोगों को दिक्कत ना हो जी। हाँ, अगर गांव के लोगों को दिक्कत होगी तो वो आपका फार्म बंद करवा देंगे, पहली बात वो बनने नहीं देंगे, वो दूसरी बात कंपनी चिक्स डालती है 1 किलोमीटर दूर फार्म में गांव से। जी हाँ, गांव से कम 1000 मीटर की दूरी पर फार्म होना चाहिए, 1 किलोमीटर दूरी पर फार्म होना चाहिए जिससे कि कोई आपको नुकसान ना हो। अगर आपने फार्म बना लिया गांव में ही तो कंपनी चिक्स नहीं डालेगी तो गांव वाले ही आपका फार्म बंद कर देंगे, क्योंकि थोड़ी सी बदबू वगैरह जब गीला हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, थोड़ी बहुत बदबू आती है, हमें तो उसकी आदत है लेकिन गांव वालों को उसकी आदत नहीं है। तो इसलिए कंपनी हमेशा मना करती है कि फार्म हमेशा ही 1 किलोमीटर दूर डालें अपने गांव से, अपने घर से या गांव से, ठीक है, आसपास जितने भी घर होंगे उनसे 1 किलोमीटर दूर डालें जहां पर खाली इलाका होता है जी। तो दूसरा, फार्म हमेशा बनाना है जहां से सूरज निकलता है उस तरफ, जहां सूरज छिपता है उस तरफ, लंबा हमारा वहां पर सूरज निकलता है और पीछे छिपता है, ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अगर आपने बना लिया कि सूरज इस तरफ से निकलता है और इस तरफ से छिपता है तो मैं बताता हूँ कि क्या दिक्कत हो जाएगी, सारी धूप अंदर आएगी फार्म में। इस तरीके से अगर बनाओगे तो सूरज क्या करेगा, सूरज निकलेगा तो ऐसे ऊपर से जाएगा और नीचे चला जाएगा और धूप अंदर नहीं आएगी जी। तो इस तरीके से आप फार्म बनाएं जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ से छिपता है, लंबे रहो, इस तरीके से फार्म बनता है। अगर आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाओगे तो धूप आपके अंदर रहेगी तो फिर नुकसान होगा, दूसरा कंपनी चिक्स डालेगी नहीं आपका, ठीक है, इसलिए कंपनी के कायदे कानून पर चलना पड़ेगा, जो SOP कंपनी की है उस तरीके से ही हमें चलना पड़ेगा जी। तो बाकी हमारा अभी चिक्स, अभी हम आज अगर आज फीड आ जाती है तो हम 3 पिलर और खोल देंगे, उसके बाद 3 रह जाएंगे, वो फिर हम संडे को खोलेंगे। नीचे भी हमारे 4 पिलर बाकी हैं स्पेस इंक्रीज करने के लिए, तो वो हम इनको खोलेंगे। आज अगर फीड आ जाती है नीचे भी 2 खोल देंगे, फिर 2 रह जाएंगे, फिर आप संडे को पूरा चिक्स छोड़ देंगे, पूरा घूमेगा अच्छे तरीके से रहेगा पूरा। तो बाकी दोस्तों, आपका कोई भी जो नए फार्मर हैं कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है। तो जो पुराने फार्मर है कोई सुझाव देना चाहते हैं मुझे तो दे सकते हैं, तो अगर कुछ गलती हुई है मुझसे बताने में या कुछ भी तो उस तरीके से आप मुझे बता सकते हैं जो कि मैं अपनी गलती ठीक कर सकूं जी। तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक आप अपना ख्याल रखें। तो आप कुछ भी मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, नए फार्मर हो या पुराने फार्मर हो, कुछ भी हो तो पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं जी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।